चलिए दोस्तों, एम के कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पिक्चर स्टाइल को क्लियर कर दिया था। हम इंसर्ट टैब में अभी पहुँचे हैं। मैं लाइन बाय लाइन वीडियो लाता रह रहा हूँ, तो आप डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर देना। यहाँ पर सबने पिछले वीडियो में पिक्चर स्टाइल और एडजस्टमेंट सब देख लिया है, तो आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में विज़िट करके पहले वीडियो को पहले देख लीजिए। अब एक ऑप्शन आता है अरेंज, यानी पिक्चर को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से जमा सकते हैं, है ना। पिक्चर का अरेंजमेंट से रिलेटेड सारा ऑप्शन जो आपको सारा वर्क आपको अरेंज वाले सेक्शन से करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पोजिशन, यानी इसकी पोजिशन को सेट करना, पोजीशन को अरेंज करना। कहने का मतलब है अभी ये अभी अगर देखेंगे तो, अगर जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड ये पोजीशन है, है ना। पोजीशन में क्लिक करके मान लो मैं इसे राइट में करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर का पोजीशन राइट में चला गया है। सेंटर करूँगा तो सेंटर में आ गया। उसी तरीके से आपको मीडियम में मान लो, बीच में मान लो आपको इसको लेफ्ट में रखना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर नीचे से यानी सेंटर से, पेज के सेंटर से लेफ्ट में आ गया, पेज के सेंटर से सेंटर में, और ये राइट में। और आपको देखना है ये लास्ट में लोअर में आपको साइड में करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर पेज के लास्ट में आ गया है, वो भी लेफ्ट साइड में। सेंटर में करूँगा तो ये सेंटर में, और राइट में करूँगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट में। तो इस तरीके से पेज के अकॉर्डिंग आप इसको हाई, मीडियम और लोअर में पिक्चर को, पिक्चर के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, ठीक। दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं लेकिन दोनों अभी बंद आ रहे हैं। इसको अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको अनेबल करने के लिए, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक को अनेबल करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पास एक दो पिक्चर ले लिए हैं, सेम ही पिक्चर है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करेंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक को ऐसे पकड़ के पिक्चर को ड्रैग करेंगे तो उसका एक डुप्लीकेट मिल जाएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पास मान लो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक को मुझे यूज़ करना है, अभी इसको अनेबल करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जस्ट बाजू में आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। सबसे पहले पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना और टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करना। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो इसको मान लो मैं इस पिक्चर के ऊपर ले आता हूँ, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट के ऊपर या पिक्चर के ऊपर पिक्चर आ जाना, जैसे यहाँ पर से दिख रहा होगा पिक्चर पीछे चले गए, पिक्चर आगे है ना। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन मेरे अनेबल हो गए हैं। अगर मैं मान लो पिक्चर में क्लिक करके इसको सेंड टू बैक करता हूँ, एक सेकेंड, पहले इस पिक्चर को भी मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा दो ऑप्शन आ गए। मान लो ये पिक्चर को मैं सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर देता हूँ तो ये पिक्चर के पीछे चला गया है ये, और उसको वापस आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो पिक्चर फ्रंट में आ जाएगा, ठीक। तो ये होता है, अगर ब्रिंग टू फ्रंट आपका डिसेबल है तो उसको अनेबल करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक कर ले, और पिक्चर का डुप्लीकेट निकालना है तो कंट्रोल शिफ्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करें और माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बना ले। मैं इसका एक और बना के दिखाता हूँ डुप्लीकेट। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करूँगा, यहाँ पास एक प्लस का साइन दिख जाएगा आपको, अब बस लेफ्ट क्लिक से पिक्चर को पकड़ना है। यहाँ पास एक इसका तीसरा कॉपी भी आ जाएगा, ये इसके फ्रंट में था तो इसका चार कॉपी बन गए हैं, दिख रहा होगा आपको। तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करिए, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक। कंट्रोल सेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं। अब यहाँ पास आपको ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट का, ठीक। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि पिक्चर को किस तरीके से आप अलाइन करना चाहते हैं, किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं नॉर्मली। जैसे यहाँ पास कई सारे ऑप्शन आपको दिख जा रहे हैं, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा अलाइनमेंट टू लेफ्ट, अलाइनमेंट टू सेंटर, अलाइनमेंट टू राइट, टॉप एक्सेट्रा, अलाइनमेंट टू बॉटम, है ना। ये सबको मैं क्लियर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और रोटेशन का मतलब है नॉर्मल पिक्चर को रोटेट करना,
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।